So right, why James Webb Space Telescope is gaining much more attention in scientific community? Why this telescope is being in so trend and why this is so important? So this is the video all about James Webb Space Telescope. James Webb Space Telescope is a joint program between the NASA, ESA and CSA. CSA is a Canadian Space Agency. तो ये टेलीस्कोप इतना इम्पोर्टेंट किस लिए है? वैसे तो जेम्स वेब टेलीस्कोप को मानवता का सबसे महान टेलीस्कोप बताया जाता है, as because we all know that कि बहुत से हायर इंस्ट्रूमेंट्स और हायर चीज़ें, बहुत ही एडवांस चीज़ें इसमें फिक्स की गई है, जैसी चीज़ें आज तक किसी भी टेलीस्कोप में नहीं थी। बहुत से लोग ये भी बताते हैं कि हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी ज़्यादा बेहतर होने वाला है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, और इसकी लॉन्चिंग के बाद हमें बहुत से चीज़ों को जानने में आसानी होगी, लाइक हम बहुत से दूर मौजूद गैलेक्सीज, स्टार्स और बहुत से अनगिनत नेब्यूलास के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, और बहुत ही इजीली हमें और नए क्ल्यूज़ और नए एविडेंस मिलेंगे कि कैसे हमारा ये यूनिवर्स फॉर्म हुआ था और कैसे लाइफ फॉर्म हुई थी और कैसे ये यूनिवर्स चल रहा है। तो बहुत से कैंसलेशंस होने के बाद फाइनली इस टेलीस्कोप की लॉन्चिंग डेट डिसाइड कर दी गई है, वो है दिसंबर 18, 2021। यस, अभी रिसेंटली दिसंबर में ही नासा ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पूरी तरह से रेडी है लॉन्चिंग के लिए। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में बहुत से इंफ्रारेड कैमरास फिक्स किए गए हैं, सेंसिटिविटी कैमरास फिक्स किए गए हैं, जिसके कारण हम यूनिवर्स का एक ब्रॉड रेंज स्टडी कर सकते हैं। और यूनिवर्स को हम ये भी, और तो और साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि हम ये तक पता लगा सकते हैं कि बिग बैंग के तुरंत बाद कौन सी गैलेक्सीज फॉर्म हुई थी, कौन से प्लैनेट्स फॉर्म हुए थे एंड किस तरह के स्टार्स थे, लाइक बिग बैंग के बाद का कैसा एनवायरनमेंट था, कौन सी फर्स्ट गैलेक्सीज आई थी, इन सब की भी डिटेल स्टडी हम कर सकते हैं अगर जो ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप फाइनली लॉन्च हो जाता है। तो टेलीस्कोप के जो प्राइमरी मिरर है वो 18 हेक्सागोनल का एक सेगमेंट है, मतलब 18 मिरर्स का एक सेगमेंट है, और ये सारे मिरर्स हेक्सागोनल शेप में अरेंज हैं एंड इनको प्लेट किया गया है गोल्ड और बेरिलियम की कोटिंग से, और टोटल इसकी हाइट जो है, इस मिरर की हाइट है 6.5 मीटर, और जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है उसकी मिरर की हाइट है 2.4 मीटर। और इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये टेलीस्कोप कितना पावरफुल होगा, जिसके कारण इसीलिए इसे बताया जा रहा है कि काफ़ी दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी इजीली ऑब्जर्व कर सकता है। तो अब हमारा टेलीस्कोप जो है वो कहाँ पे प्लेस किया जाएगा स्पेस में? स्पेस में L2 की पोजीशन पे इस टेलीस्कोप को प्लेस किया जाएगा, क्योंकि L2 ऐसी पोजीशन है जहाँ से हम यूनिवर्स का एक ब्रॉड एरिया कवर अप कर सकते हैं और जहाँ से बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व करने में इस टेलीस्कोप के लिए बहुत ही आसानी रहेगी। इस टेलीस्कोप का नाम सबसे पहले नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप रखने का सोचा था नासा ने, लेकिन फिर बाद में इस टेलीस्कोप का नाम जेम्स ई वेब रख दिया गया, बिकॉज जेम्स नाम के एडमिनिस्ट्रेटर थे जो नासा में वर्क करते थे बिटवीन 1961 टू 1968, जिन्होंने बहुत ही मेन रोल प्ले किया था अपोलो के प्रोग्राम के द्वारा। तो नासा ने सोचा कि इन्हीं के नाम पर इस टेलीस्कोप का नाम भी रख दिया जाए। टेलीस्कोप का जो डेवलपमेंट है और उसका मैन्युफैक्चरिंग है वो 1996 से ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि साइंटिस्ट लोग को पता चल गया था कि हम आगे हमें ऐसे एक टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ने वाली है और हमारा हबल स्पेस टेलीस्कोप एक ना एक दिन काम करना बंद कर देगा, तो इसके लिए इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत ही पहले से स्टार्ट कर दिया गया था। एंड सबसे पहले प्लान किया गया था कि इस टेलीस्कोप को 2007 में लॉन्च करेंगे, लेकिन बहुत सी दिक्कतें आईं, फिर इसे 2016 तक ले गए, फिर 2018 एंड फाइनली डिले करते करते बीच में फिर 2020 को रखा गया, लेकिन एंड देन कोविड-19 की पेंडेमिक के कारण इस टेलीस्कोप को फिर से डिले किया गया, और अब जो डेट फिक्स की गई है वो है दिसंबर 18, 2021। एंड वी ऑल विश दैट फाइनली ये टेलीस्कोप लॉन्च हो जाए ताकि हमें इस यूनिवर्स के नए चीज़ों को जानने मिले और नई सब रहस्यों को सुलझाने में हमारी मदद होए। 4 मेन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। सबसे पहला है नियर इंफ्रारेड कैमरा, सेकंड इज़ नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी, जो कि यही मेन चीज़ है जो हेल्प करेगी यूनिवर्स का इंफ्रारेड व्यू देखने में।
थर्ड है मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट, फोर्थ है फाइन गाइडेंस सेंसर। तो ये चीज़ें जो है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो इस टेलीस्कोप के अंदर फिक्स हैं, जिनकी मदद से हमारा टेलीस्कोप बहुत ही दूर तक यूनिवर्स में देख सकता है एंड हमें बहुत से आंसर्स दे सकता है इस यूनिवर्स के बारे में, इस लाइफ के बारे में, कैसे यूनिवर्स फॉर्म हुआ, कैसे बिग बैंग हुआ, एंड मे बी हम ये भी पता लगा सकते और मे बी बहुत से ऐसे चीज़ों का भी हम पता लगा सकते हैं जो कि इम्पॉसिबल साउंड करती है। सो द होल वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर दिस टेलीस्कोप टू बी लॉन्च ऑन December 18, 2021। सो ऑलराइट गाइस, आगे कुछ भी अपडेट्स आते हैं इस चीज़ से रिलेटेड तो मैं अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करूँगा। सो कीप वॉचिंग।